अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बिजनेस कार्ड वापसी से, और बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान बिजनेस कार्ड है। सबसे पहले बता दूँ, सारी चीज़ें मैंने अपनी डेस्कटॉप पर खुल के रखी हुई हैं, बट बिजनेस कार्ड की एक चीज़ है जो सबसे मेन है, बस वही आपको बनाना सिखाऊंगा। और उसके बाद जो जो मैंने बना के रखा हुआ है उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, और वो आपको लगाना भी सिखा दूंगा कि किस जगह पे कौन सी चीज़ लगनी है। और उसके बाद हम अपना बिजनेस कार्ड रेडी करेंगे एंड सेव कर लेंगे अपनी ड्राइव में, कोई सी भी ड्राइव हो आपके पास उसके अंदर कर लिएगा। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें एंड एंजॉय करें हमारी वीडियो। थैंक यू। तो आइए फटाफट से कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते हैं और सिखाता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो गैस ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैंने सारी चीज़ें डाउनलोड करी हो भाई, ये मैंने बनाया खुद, और ये बनाना इतना मुश्किल है नहीं। मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल बना लिया एंड यहाँ से जाके ग्रेडियंट कलर इसके ना कोई भी अप्लाई कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कौन सा कलर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, और इसके अंदर मैंने ये वाला दिया हुआ है। तो एनी वेज आप चेंजिंग कर लें थोड़ी सी, खुद भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो बनाना आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है जहाँ पर आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे। और आपको ये दिखाना था कि इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या आप बना लिएगा या फिर डाउनलोड कर लिएगा, या क्रोम पे जाके यहाँ से कोई भी ये जैसे ये लेना है इसको कॉपी करें इस तरीके से, एंड यहाँ पर आके कंट्रोल वी क्लिक कर दें और ये पेस्ट हो जाएगी। बट अपनी बना लेंगे तो वो बेटर रहेगा, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी काम करने में मैंने डाउनलोड कर ली, लेकिन इसकी क्वालिटी भी चेक करें कितनी बेकार है। बट एनी वेज अच्छी चीज़ हो जाएगी एंड में जब अपन लोग बना लेंगे। तो आइए फटाफट से अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड यहाँ पर मैं ले लूँगा हाइट एंड वेट। एंड सबसे पहले मैं इसको हाइट को रखूँगा 2 एंड वेट को कर दूंगा 3.5। एंड यहाँ पर हमारा हमारा कुछ इस तरीके का आ गया, बट पता नहीं क्यों इस तरीके का आया है, लेकिन हम इसको इस तरीके से कर लेंगे और इसको कर लेंगे यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कलर जस्ट ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि दिखाई भी तो दे हमें कि क्या हम बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। इसके बाद ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ हम इसकी कॉपी ले जाएंगे, यहाँ की तरफ ड्रैग करवा देंगे एंड लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है भाई, ये इतना सा काम था, इतना मुश्किल जो आपने बताया? नहीं, ये इतना सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको बहुत आसान भी लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पेन टूल ले लेना है एंड यहाँ से लेके एक काम करें, इसकी आप यहाँ पर उठा के रख लें इसको बाहर की तरफ एंड यहाँ पर लें। उसके बाद पेन टूल लें एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दें, ये कुछ इस तरीके की लाइन क्लियर कर दें। एंड उसके बाद आप करेंगे यहाँ से एक ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉपी ले लें इसकी। ओके, अब इसके बाद कंट्रोल डी करते रहें और एंड तक, जब तक यहाँ पर नहीं आ रही जब तक करते रहें। ठीक है, और यहाँ से जब बाहर चले जाए तो ऑनेस्टली सब कुछ सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके यहाँ से जाएं ट्रांसफॉर्म में एंड यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट एंड प्रीव्यू चेक कर लें। ये अब इस साइड है, अब इस साइड होना चाहिए और ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसकी कॉपी ले लूँगा। अब क्या करना है, अब ये जो सिंपल इसको हम कर लेंगे कंट्रोल 2 से लॉक, बाकी सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की बन गई है। बट अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से रख सकता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे तो नहीं रखें, बट मुझे अगर रखना होगा तो मैं रख लूँगा। एंड अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके ज्वाइन करता हूँ कंट्रोल J से, तो ये देखें ये कुछ इस तरीके की हो रही है। बट अगर मैं इसके अंदर कलर कर दूँ, ये वाला ग्रेडियंट वाला यहाँ पर लेके आता हूँ सबसे पहले मैं तो इसको, एंड आई ड्रॉपर ले सबसे पहले वो डी सेलेक्ट हो गया, तो उसको मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ एंड इसको यहाँ पर रखता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लूँगा मूव टूल से एंड आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर अप्लाई करूँगा। तो लाइक दिस सारे के सबके अंदर हो चुका है, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गैप है, लेकिन इसके अंदर अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। बट आपको एक तरीका और बता देता हूँ मैं, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब आप कलर कर सकते हैं यही वाला करना चाहें तो। गाइस ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास जितनी भी बीच वाली जगह है तो यहाँ पर मैंने सबके ना ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको हटाऊँ, एक बॉक्स बना लूँगा। लेकिन बॉक्स बनाने का एक ट्रिक है, यहाँ से आप जाएँ एंड यहाँ पे क्लिक करें एंड ये आपको इसी एंगल पर दे देगा, बट ये इस तरीके का आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप इसको राउंड कर लें, रोटेट कर लें मतलब, एंड यहाँ पे लाके आप इसको एडजस्ट कर दें कुछ इस तरीके से, और उसके बाद सबको सिलेक्ट कर लें एंड कंट्रोल माइनस करता हूँ सबसे पहले। तो मैं पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड यहाँ से गया मैं शेप बिल्डर टूल में एंड यहाँ से ऑल के साथ पे क्लिक कर दूंगा इसको, तो ये माइनस हो जाएगा
एंड इसको भी थोड़ा सा माइनस करेंगे, इसको भी हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम इस साइड का कर लेते हैं माइनस, ऑल के साथ हमें माइनस करना है, ठीक है ना। एंड इसको भी कर लिया हमने। अब रह गया हमारा ये छोटा सा, तो इसको भी ऑल्ट के साथ माइनस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक सिंपल सा हमने कलर दे दिया है, बट ये कलर मैंने इसलिए इस तरीके से इसलिए दिया है ताकि आप इसके अंदर और चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, एंड यहाँ से अब हम ले लेते हैं शेप बिल्डर टूल, और यहाँ से अगर हम कलर चेंज लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास कलर आ जाएगा। बट अगर आप चाह रहे हैं तो दें, वरना फिर नहीं दें, वरना फिर बहुत ही अजीब सा लगने लगेगा आपको, ठीक है ना। एंड कंट्रोल जेड क्लिक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस तरह का कलर नहीं चाहिए था। सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ले लूँगा एक कोई सिंपल सा कलर, कुछ इस तरह का, सॉरी इसके ऊपर मुझे नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने एक ये सिंपल सा कलर लिया, एंड यहाँ से ले जाऊँगा शेप बिल्डर टूल। और गाइस अगर आपको वीडियो में पसंद आ रहा है तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा मुझे भी। तो गाइस यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का इसके अंदर बिजनेस कार्ड के अंदर ये लगाया है, बट अगर आपको पसंद आया तो आप लगाइएगा, वरना फिर डेफिनेटली नहीं लगाइएगा। मैंने कुछ आपको बोला नहीं है कि आप मेरे जैसे ही बनाएं, बट अगर आपको पसंद आया तो लगाइएगा, वरना फिर नहीं लगाइएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमें यहाँ पर ये वाला जो है इसको डिलीट कर देंगे, एंड ये वाला जो है इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो आप ये पीछे देख सकते हैं ये किस तरीके का हो गया, ठीक है। अब आप ये बताएं ये आपको अच्छा लग रहा है या फिर इस तरह का अच्छा लग रहा है। बट मेरे को ये दोनों अगर इस तरीके से रखूँ तो ये थोड़ा सा बेटर लगेगा। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह का है, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा कि इसी तरह का मैं ले लूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो गैस मैंने यहाँ पर ये रख लिया है। अब मेरे बारी है इसको हटाने की, एंड इस पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेने की कंट्रोल जी से, एंड यहाँ से ले जाऊँगा मैं इसको, यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ताकि इसकी कॉपी भी आ जाए। एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने इस तरह का बना दिया, बट अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ऑल्ट कंट्रोल टू क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, एंड यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब बारी है, तो गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैंक बनाया है। अब मैं यहाँ से अपना लोगो ले जाता हूँ, सबसे पहले तो उठाकर यहाँ पर ड्रैग करवा दूंगा। एंड ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा है, बट एनीवेज अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ऑनेस्टली ये बहुत छोटा कर दिया हमने, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये मैंने दे तो दिया है, बट अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जाता हूँ विंडो से लेयर पैनल के अंदर, क्योंकि यहाँ की साइड पे मेरा रखा हुआ है। लेकिन ये लेयर के पैनल में नहीं होता, ठीक है ना। वो मल्टीपल जो वो करना होता है ना, मल्टीप्लाई और बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो वो मैं आपको करना अभी करके दिखाता हूँ। तो वो आपको मिल जाएगा ट्रांसपेरेंसी के अंदर, एंड यहाँ से जाके आप मल्टीप्लाई कर दें। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने इस तरह का कर दिया, मल्टीप्लाई करा है। अगर मैं कुछ और इसके अंदर करूँ कलर ब्राउन, ये ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल टू से लॉक कर लेता हूँ, एंड इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और अब मैंने इसके बाद जो करा था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, वो लिखते हैं क्या, एंड टैग लाइन। इसको भी टैग करवा के यहाँ पर रख देते हैं, बट ये मुझे थोड़ा सा बिगाड़ सा लग रहा है ना, तो कोई मसला नहीं, नया बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी नेम, और उसके बाद मूव टूल लेके फिर दोबारा हम टैग टूल लेंगे, और उसके नीचे लिखेंगे टैग लाइन, टैग लाइन हियर, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ कंपनी, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कंपनी नेम, एंड यहाँ पर मैंने इसको लाकर इस तरीके से लिखा, एंड उसके बाद टैग लाइन जो हमें लिखा था वो यहाँ पर लिखूंगा टैग लाइन, टैग लाइन हियर। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का मैंने बना दिया है। अब दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करा है, एंड यहाँ से मैं जाऊँगा अलाइन पैनल के अंदर, एंड इसको इस तरफ कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मेरा इस तरीके का हो गया। तो गाइस इसके बाद क्या करना है, मैंने इतना सारा लिख दिया बट आपको ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी आपको नज़र भी आएगा। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लें, एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, एंड कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मूव कर दें। एंड ये जो हमारे पास नीचे है इसको थोड़ा सा आप नीचे लेके आए कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें, एंड यहाँ से जाएं करेक्टर पैनल, नहीं सबसे पहले जाएं आप टाइप टूल के अंदर, एंड ये वाला जो टी है इसको आप सिलेक्ट करके करेक्टर पैनल के अंदर जाके यहाँ से कैप्स ऑन कर दें। एंड ये जो कंपनी का सी था
इसको भी आप सिलेक्ट करें इसी तरीके से, कैरेक्टर पैनल के जाके बड़ा कर दें। तो गाइस यहाँ तक हमारा फ्रंट जो है ये पूरा हो चुका है, बट बैक साइड पे हम बनाने वाले हैं अपना जो सारी डिटेल होती है वो देने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर सारी अपनी चीज़ें उठा के रख ली थी, तो मैं सबसे पहले इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको सिंपल छोटा करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर एंड ला के यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद सिंपल मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल टू से लॉक करूँगा एंड यहाँ से जाऊँगा दोबारा से एंड ये भी मैं यहाँ पर उठा के ले जाऊँगा एंड ये भी ले जाऊँगा। ये दोनों मैं ले आया हूँ, अब बारी है इसको भी सेट करने की और इसको भी सेट करने की। दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड शिफ्ट एंड ऑल के साथ मैंने दोनों का साइज एक साथ छोटा करा एंड इसको मैंने ला के रखा है यहाँ पर, इसको ला के रखा मैंने यहाँ पर। अब मैंने दो चीज़ें रखी हैं, बट आप और भी चीज़ें आपके पास जो डिटेलिंग हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, सही है ना। एंड इन दोनों का मैं साइज़ थोड़ा सा और छोटा करूँगा क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन मैंने ये बड़ा करके रखा हुआ है। अब मैंने सही साइज़ कर लिया, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ सॉरी, मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपकी मांगी जा रही है जीमेल, ठीक है। जीमेल देने के लिए आप सिंपल अपनी जीमेल दें, मैं ये मेरी जीमेल नहीं है ऑनेस्टली, पता नहीं किसकी है बट मैं अपने पास से दे रहा हूँ। तो जीमेल में दे रहा हूँ जैसे कि कैप्स लॉक जो ऑन है हमारा ये ऑफ कर देता हूँ एंड अब मैं दे रहा हूँ शायन प्रोजेक्ट ग्राफिक। ग्राफिक देने के बाद यहाँ पर सिंपल ए gmail.com, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पर दे दी अपनी जीमेल एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की जीमेल मैंने लिख दी है। अब मैंने सिंपल इसको छोटा करके यहाँ पर रख दिया एंड अब मांगा जा रहा है कि मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर देते हैं सिंपल। आप मोबाइल नंबर आपके पास जो भी है, मेरे पास मोबाइल नंबर है तो, लेकिन मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता तो इसलिए मैंने ये नंबर डाल दिया डायरेक्ट एंड इसको मैंने ला कर रख दिया यहाँ पर। दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से गए करेक्टर पैनल के अंदर एंड यहाँ से जाके आप कोई भी करेक्टर पैनल लें और यहाँ से जाके कोई भी फाउंड फाउंड चूज़ कर लें और उसको जाके आप यहाँ पर अप्लाई करें, जैसे मैंने ये लगा दिया। बट बिजनेस कार्ड के ना ज़्यादातर सिंपल ही लगे होते हैं तो हमने बिल्कुल ये सिंपल एडजस्ट यहाँ पर लगा दिया है। अब ये आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, इन दोनों के अंदर मैं वाइट कलर अप्लाई करूँगा, लेकिन अब वाइट कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको जाके मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ताकि इसका भी वो स्कैनर दिखे सिर्फ और वो गायब हो जाए एंड यहाँ पर हमारे दोनों बिजनेस कार्ड रेडी हैं। और उम्मीद है आपको ये वाला बिजनेस कार्ड जो है बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने भी हमारा अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब करके चले जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भरपूर रोज़े रखें, जितने रोज़े हैं उतने ही रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।